हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप सबको कंप्यूटर के बेसिक्स बताऊंगा। मेरा नाम हबीब है, आप देख रहे हैं टेक्नो हैब यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप एक विजुअली चैलेंज पर्सन हैं, आपको दिखाई नहीं देता है, तब आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, तो आप सही जगह आए हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सबको कंप्यूटर के बेसिक्स बताऊँगा, स्पेशली अगर आप एक विजुअली चैलेंज पर्सन हैं तो आप कंप्यूटर को कैसे यूज़ कर सकते हैं, आज की वीडियो में मैं बताऊँगा। तो चलिए रोज़ की तरह आज भी कुछ नया जानते हैं। दोस्तों, बेसिक से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर एक मशीन है दोस्तों, जिसमें कई डिवाइसेस लगते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर में एक मॉनिटर होता है। दोस्तों, मैं डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ, पहले ट्रेडिशनल डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर में एक मॉनिटर होता है और उसके साथ एक कीबोर्ड होता है दोस्तों, जिसे ये जो कीबोर्ड है दोस्तों, ऐसा एक कीबोर्ड होता है जिस पर कई तरीके के फंक्शन कीज़, ABCD, हर तरीके के कीस होते हैं, जिससे आप अपना काम कर सकें। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको एक माउस मिल जाता है दोस्तों, जो माउस होता है जिस पर बटन्स होते हैं, कुछ बटन्स होते हैं, इस पर भी आप इससे भी अपना काम कर सकें। माउस का काम कुछ भी नहीं होता है दोस्तों, जस्ट स्क्रीन पर पॉइंट करना इसका काम होता है। इसका एक एरो आपको मॉनिटर में दिखाई देता है अगर आप टेबल पर माउस को मूव करते हैं। ये फंक्शन कैसे करता है, ये जादू क्या है, कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये इसके पीछे एक छोटी सी लाइट होती है दोस्तों, उस लाइट की वजह से ये फंक्शन कर पाता है, वो रिफ्लेक्शन पर डिपेंड कर अच्छे से काम करता है। तो दोस्तों, उसके बाद में आपको अपने कंप्यूटर में दोस्तों, अगर आप ब्लाइंड पर्सन हैं तो आपको एक स्क्रीन रीडर इंस्टॉल कराना होगा दोस्तों। मैं आप सबको NVDA स्क्रीन रीडर प्रिफर करूँगा दोस्तों, क्योंकि ये फ्री में मिलता है और ये बहुत अच्छे से फंक्शन करता है दोस्तों। उसके बाद में बात कर लेते हैं दोस्तों कीबोर्ड। कई लोग को कीबोर्ड क्या चीज़ है हमें नहीं पता होता है, कई लोग इसमें मजाक उड़ाते हैं, मुझे भी नहीं पता था, आपको भी नहीं, किसको भी नहीं पता होता है शुरुआत में दोस्तों। तो हमें कीबोर्ड क्या चीज़ है सीखना होता है दोस्तों। कई बार हम कुछ गलत कीज़ दबा देते हैं, कुछ कंप्यूटर में ऑप्शंस खुल जाते हैं, उसी लिए आपको कीबोर्ड सीखना है। तो दोस्तों, पहले आप अपने कंप्यूटर में एक स्क्रीन रीडर इंस्टॉल कर लीजिए, NVDA स्क्रीन रीडर या जॉस स्क्रीन रीडर इंस्टॉल कर लीजिए। तो वो इंस्टॉल करने का एक मैंने वीडियो बनाया है, आपको आई बटन में मिल जाएगा NVDA का, तो उसे इंस्टॉल कर लीजिए दोस्तों। उसके बाद में NVDA स्क्रीन रीडर को किसी व्यक्ति को ऑन करने को कह दीजिए और अपने कंप्यूटर को ऑन करने को कह दीजिए किसी व्यक्ति को, अगर आपको प्लग लगाने नहीं आता है। तो कंप्यूटर को ऑन करने के लिए हमें कंप्यूटर में CPU में एक बटन होता है दोस्तों, जो ट्रेडिशनल CPU होता है उसके अंदर बटन होता है, उस बटन को प्रेस करना होता है CPU पर। जो बड़ा सा बॉक्स आता है उसे CPU कहा जाता है, मैं नहीं कहा था, एक बड़ा सा बॉक्स आता है जिसमें सारे डिवाइसेस लगते हैं, जिसे CPU कहा जाता है, जिसमें CD ड्राइव होता है और USB ड्राइव्स भी होते हैं, उसे CPU कहा जाता है। आजकल के कंप्यूटर्स ऐसे आ रहे हैं दोस्तों, एक छोटा सा मॉनिटर की तरह ही कंप्यूटर आपको आ जा रहा है। मॉनिटर होता है, उस पर आपको वायरलेस कीबोर्ड और माउस मिल जाता है दोस्तों, जिसे यूज़ करना बहुत इजी होता है कंपेयरिंग टू एक ट्रेडिशनल CPU को यूज़ करना। तो दोस्तों, आपको कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, एक ट्रेडिशनल CPU या किसी भी मॉनिटर जैसे कंप्यूटर में जो अब आ रहे हैं, अब नए ज़माने के कंप्यूटर्स को, उसको ऑन कर दीजिए और उसमें एक स्क्रीन रीडर इंस्टॉल कर दीजिए दोस्तों। उसके बाद में इंसर्ट की जो होती है दोस्तों, यहाँ पर हमें पहले इंसर्ट की क्या चीज़ है मालूम कर लेना होगा। यहाँ पर आपको साइड में एक की होती है दोस्तों, जिसे ज़ीरो कहा जाता है और इंसर्ट की भी कहा जाता है। यहाँ पर ऊपर एक नम की होती है, नम लॉक ऑन नम लॉक ऑफ होता है ये बटन, देखिए आप सुने होंगे, मेरे डिवाइस में स्क्रीन रीडर ऑन है, ये नम लॉक ऑफ कर दीजिए तो ये इंसर्ट की बन जाएगी। अगर नम लॉक ऑन आप कर देंगे तो इंसर्ट की से ज़ीरो की बन जाएगी ये। उसके बाद में यहाँ पर भी 1, 2, 3 होते हैं दोस्तों। सेकंड की होती है, ये कौन सी रो में, ऊपर से सेकंड रो में सेकंड की, और यहाँ पर कीबोर्ड में आपको ये साइड राइट साइड से आपको 1, 2, 3 थर्ड की होगी। फर्स्ट रो में आप एंडिंग से शुरू करेंगे तो फर्स्ट रो में थर्ड की होगी, और ये सेकंड रो में एंडिंग से यहाँ से शुरू करेंगे ऊपर से, तो भी आपको यहाँ पर ये की मिल जाएगी। तो हमें कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, ये दो कीज़ को एट ए टाइम प्रेस करना होगा। तो ऐसा करने से आपका डिवाइस कहता है इनपुट हेल्प ऑन। एक सेकंड, फिर से सुने, NVIDIA +1 input help on।
ये इनपुट हेल्प ऑन, यानी यहाँ पर आप कुछ भी कीज़ दबाएंगे अपने कीबोर्ड पर, बेफिक्री तबला बजाए सर का आप बजा सकते हैं अपने कीबोर्ड पर, कुछ भी नहीं होगा जब तक आप फिर से इंसर्ट की और एन की का कॉम्बिनेशन मिलाकर नहीं दबाते हैं, तब तक आपके कीबोर्ड में ये कोई कीज़ फंक्शन नहीं करेंगे। लेकिन आपका जो स्क्रीन रीडर है दोस्तों, वो ये सारे कीज़ का फंक्शन बताता है। अब जैसे कि एस्केप है, F1, ये जो NVDA की है, इंसर्ट की कहा जाता है, NVDA. तो इंसर्ट की को दबा लेंगे तो NVDA हो जाएगी। नमपैड, ये नमपैड की एरो किस की तरह भी यूज कर सकते हैं। देख रहे हैं आप, हर चीज काम कर रही है, यानी हर की जो होती है वो की किस वजह के लिए बनाई गई है ये आपका स्क्रीन रीडर कहेगा। ये जॉस स्क्रीन रीडर में भी ये काम करता है और NVDA स्क्रीन रीडर में भी ये काम करता है। आपको कीबोर्ड सीखने के लिए ये एक बहुत अच्छा मेथड है दोस्तों। अगर आपको ये उतना इजी नहीं लग रहा है, कीबोर्ड में ABCD लाइन से नहीं होते हैं, ASDF होता है यहाँ पर, आप वो भी यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर आप कुछ भी गलत की दबा देंगे, ऐसा ऑप्शंस में चले जाएंगे, आपको डर है तो आप क्या कीजिए, ये कीबोर्ड पर इंसर्ट और वन प्रेस कर दीजिए, लॉक हो जाएगा आपका कीबोर्ड। तब आप कुछ भी कीज़ दबा दीजिए, कुछ नहीं होगा, फिर इंसर्ट वन प्रेस करेंगे या अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर देंगे तो आपको यहाँ पर ये अनलॉक हो जाता है कीबोर्ड का ही। कंप्यूटर्स में अनलॉक नहीं होता है, फिर से इंसर्ट वन प्रेस करना पड़ेगा आपको। तो इंसर्ट वन प्रेस करने से लॉक हो जाता है आपका कीबोर्ड दोस्तों। लॉक कर लीजिए और कीबोर्ड पे जो कुछ भी चीज़ है दोस्तों, आप सीख सकते हैं बड़ी आसानी से दोस्तों। ABCD हो या चाहे आप इसमें कीस, कुछ भी कीस हो दोस्तों, कुछ कीस जो स्क्रीन रीडर नहीं कहता है, मैं उन कीस की बात कर लेता हूँ दोस्तों। टैब की होती है दोस्तों, ये ऊपर से आप 1, 2, 3 थर्ड की होती है आपको, ये लेफ्ट साइड ऊपर से आप देख लेंगे तो पहले एस्केप होता है, उसके बाद ये होता है ग्रॉव होता है, उसके बाद में टैब होता है। टैब आपको नथिंग बट दोस्तों, इसमें ये आपको हर जगह ये एक कर्सर की तरह मूव होता है। आप टैब टैब प्रेस करेंगे तो आपके स्क्रीन पे के ऑब्जेक्ट्स आप रीड कर सकते हैं। जैसे कि आप फाइल सेव करने जा चुके हैं, फाइल सेव करने, वहाँ पर आप टैब टैब प्रेस करेंगे तो वहाँ के ऑप्शंस पढ़कर सुनाता है। उसके बाद में दोस्तों कैप्स लॉक होती है, वो कैप्स लॉक की आप कैपिटल लेटर्स के लिए ऑन ऑफ कर ले सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर कंट्रोल की होती है दोस्तों, ये कंट्रोल की भी एक कॉम्बिनेशन की है, ये भी आपको कॉम्बिनेशंस के लिए मदद होती है। जैसे कि कॉपी पेस्ट, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ऐसा कर सकते हैं हम, अंडू रीडू, ये सब कर सकते हैं हम कंट्रोल की से। और आपका स्क्रीन रीडर कभी नॉन स्टॉप बात कर रहा है, आपको कॉल आ चुका है या कोई आपको बुला रहे हैं, तब स्क्रीन रीडर को रोकना है तो आपको कंट्रोल दबा दीजिए, कंट्रोल हो जाएगा। यहाँ पर लेफ्ट कंट्रोल और राइट कंट्रोल होता है दोस्तों कीबोर्ड पर। उसके बाद में एक स्पेस की होती है, जहाँ भी आपको स्पेस देना है स्पेस दे सकते हैं दोस्तों। और आपको यहाँ पर और कीस क्या है यहाँ पर, ये नम की है दोस्तों। यहाँ पर तो ये स्क्रीन रीडर पढ़कर सुनाता है, जैसे कि ये नम लॉक डिवाइड, नम पैड डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये दो कीस जो है ना दोस्तों, नम पैड डिवाइड और नम पैड मल्टीप्लाई, इन्हें आप माउस कीस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, राइट माउस लेफ्ट माउस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारे एरो कीज़ की तरह भी आप फंक्शन, आप इसको काम में ले सकते हैं। और ये ऊपर के फंक्शन कीज़ है दोस्तों, यहाँ पर F1, F2, F3, इसका आपको उतना ज़्यादा काम नहीं है, मैं दो कीज़ बता दूंगा आपको। Alt भी F4 प्रेस करने से आप कुछ भी ऑप्शंस में चले जाएंगे तो वो आप ऑटोमेटिकली वहाँ से आप बाहर आ जाते हैं, क्लोज हो जाता है। अगर आपका कीबोर्ड लॉक नहीं है तभी काम करता है ये कमेंड Alt F4, और Alt F4 आप डेस्कटॉप पर आकर मार देंगे, Alt F4 प्रेस कर देंगे तो आपका कंप्यूटर शट डाउन होने के लिए आपको पूछेगा। और यहाँ पर एक लेफ्ट विंडो की होती है, जिसे स्टार्ट मेन्यू कहा जाता है। ये स्टार्ट मेन्यू की में आपको एक मेन्यू ओपन हो जाता है दोस्तों, जिसमें आपको आप ये मेनू में आपके सारे आइटम्स होते हैं, जो भी आपके जैसे कि माई कंप्यूटर होता है, आप इंस्टॉल कर चुके हैं जो कुछ भी सॉफ्टवेयर्स, वो मिल जाएंगे आपको लेफ्ट विंडो में। उसके बाद में ऑल्ट की होती है दोस्तों, ये भी एक फंक्शन की है, जैसे कि मैंने कहा है इसे कॉम्बिनेशन
पर काम करती है, ये ऑल्ट स्पेस ऑल्ट F4 ऐसे कॉम्बिनेशंस पर काम करती है दोस्तों। तो आप इस तरह अपना कंप्यूटर कीबोर्ड यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। एक छोटी सी क्लास थी जिसमें मैं बता चुका हूँ कीबोर्ड को कैसे यूज़ किया जाता है अगर आप एक ब्लाइंड पर्सन हैं। मेन चीज़ मैं भूल ही गया, ये देखिए दोस्तों, अगर आपको कंप्यूटर का कीबोर्ड समझ में नहीं आ रहा है, यूज़ करना आपको उतना ईजी नहीं लग रहा है, तो इसमें स्पेशली कई लोग को ABCD में 1 2 3 में ये प्रॉब्लम होती है। तो आप क्या कीजिए दोस्तों, अगर आपको ब्रेल आती है तो आप ब्रेल ही में क्या कीजिए, कीबोर्ड पर हर चीज़ को आप अच्छे से लगा दीजिए, चिपका दीजिए, ब्रेली में आप टाइप कर लीजिए और उसे कट करके आपके कीबोर्ड के कीज पर आप किसी से लगा दीजिए, उस पर चिपका दीजिए, तब आपको कीज आसानी से समझ में आ जाएंगे। कुछ ऐसा पेपर मिलता है दोस्तों जिस पर प्लास्टर चिपका हुआ होता है, आप उस पर ब्रेली में लिख दीजिए, उसके बाद में कट करके वो प्लास्टर को आप अच्छे से कीबोर्ड पर चिपका दे सकते हैं, आपको कीज अच्छे से समझ में आ जाएंगे दोस्तों। इसमें और एक की होती है कीबोर्ड में, एंटर की होती है, आपको कुछ भी ऑप्शन को ओके करना है तो एंटर प्रेस करना होगा दोस्तों। और यहाँ पर दो जगह होती है एंटर आपको कीबोर्ड में, तो आप ब्रेली से चिपका सकते हैं दोस्तों, ब्रेली के कीज यानी आप कीज को ब्रेली के अल्फ़ाबेट्स चिपका सकते हैं कीज पर आपको आइडेंटिफाई करने के लिए। नॉर्मल व्यक्ति क्या करता है दोस्तों, यहाँ पर जो लिखा हुआ होता है कीबोर्ड पर ABCD ये सब देख सकता है एक नॉर्मल व्यक्ति दोस्तों। नॉर्मल व्यक्ति देखने की वजह से वो आइडेंटिफाई करता है दोस्तों बड़ी आसानी से। तो दोस्तों इस तरह आप अपने कीबोर्ड को यूज़ कर सकते हैं। होप करता हूं दोस्तों आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हेल्पफुल रहा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऐसे ही मैं एक प्लेलिस्ट बना रहा हूं दोस्तों, इस पर टोटली आपको कैसे यूज़ किया जाता है कंप्यूटर अगर आप एक ब्लाइंड पर्सन है तो। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर दो, ऐसे वीडियोज़ मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड लाते रहता हूँ अपने चैनल पर। किसी और वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।